हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आइए मिलते हैं नए सेशन में फिर से, जो कल हम लोग स्टार्ट किए थे इंग्लिश स्पीकिंग का। तो आज फिर से उसका डे टू है और हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस को और उसको बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने क्या लिया है, मेरे पीछे आओ। तो मेरे पीछे आओ को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फॉलो मी। हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग को बहुत बोलते हैं ना, चलो वहाँ ट्यूशन है, वहाँ ये है, मेरे पीछे आओ। तो मेरे पीछे आओ को हम क्या बोलेंगे, फॉलो मी। ठीक है। सेकंड, जितनी जल्दी हो सके। अगर हम किसी को बोलते हैं भाई तैयार हो ना, कहीं घूमने जाना है या कुछ, तैयार हो ना, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी तैयार हो। ठीक है। कोई पूछता है कितनी देर में तैयार होना, तो हम बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी देर में तैयार हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, एज सून एज पॉसिबल बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, मुझ पर विश्वास करो। अगर हम किसी को बोलते हैं मुझ पर विश्वास करो, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव मी। क्या बोलेंगे, बिलीव मी। अच्छा, मुसीबत मत खड़ी करो। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि मुसीबत मत खड़ी करो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डोंट कॉज ट्रबल। क्या बोलेंगे, डोंट कॉज ट्रबल। अब उसका वापस में जवाब आता है, मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहती थी। ठीक है, क्या आता है जवाब, पहले समझो फिर से। मुसीबत मत खड़ी करो का इंग्लिश होगा डोंट कॉज ट्रबल या डोंट कॉज एनी ट्रबल। ठीक। लेकिन अब जवाब में बंदी बोलती है कि मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी, तो आई डिडेंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। क्या, आई डिडेंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। नेक्स्ट, मैं ये आसान एहसान चुकाऊंगा या चुकाऊंगी, आई विल रिटर्न द फेवर। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं ये एहसान चुकाऊंगा या चुकाऊंगी, तो इंग्लिश क्या होगा, आई विल रिटर्न द फेवर। ठीक है। कभी भी हम लोगों को किसी से कोई छोटा मोटा एहसान लेना होता है, तो हम लोग ऐसे ही ना बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ सेंटेंस हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत आभारी हूँ। अगर हम लोग किसी की आभारी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं बहुत आभारी हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम रियली ग्रेटफुल। क्या बोलेंगे, आई एम रियली ग्रेटफुल। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करें, प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम किसी को सुबह कॉल करने के लिए बोलते हैं, तो हम वहाँ पर ही AM लगाएंगे। लेकिन हम अगर किसी को इवनिंग कॉल करने के लिए बोलते हैं, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, PM लगाएंगे। तो इस चीज़ का याद रखना है कि अगर सुबह कॉल करने बोल रहे हो, तो क्या लगाएंगे, AM लगाएंगे। लेकिन अगर शाम में कॉल करने बोल रहे हो, तो हम 12 बजे के बाद, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, PM लगाएंगे। तो इसी से मॉर्निंग और इवनिंग का समझ में आ जाता है। मेरे साथ आओ, अगर हम किसी को बोलते हैं मेरे साथ आओ, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, कम विथ मी। मेरे साथ आओ को क्या बोलेंगे, कम विथ मी। मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट एग्री, या आई एम डोंट एग्री विथ दिस। ठीक है, आई डोंट एग्री विथ दिस, या आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो को क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस डे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। इस तरह का छोटा छोटा सेशन आई होप कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। जो छोटा मोटा गाना वाना देखते हैं हम लोग, रील्स देखते हैं, उससे तो आई थिंक बहुत बेटर होगा कि आप एक दिन में, मैं जितना एक दिन में अगर एक भी सेशन इस तरह का आप लोग देख लेते हैं, 2-3 मिनट में आप लोग इतने सारे वर्डिंग सीख लेते हैं इंग्लिश के। तो ये आई थिंक आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, तो वो भी मैं सना कॉम्प्लेक्स में कराती हूँ 4th फ्लोर पर। और मेनली आप लोग मुझे जानते होंगे कि मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और स्पोकन इंग्लिश भी चैनल पे कराती हूँ। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए क्लास 11th 12th नीट ANM GNM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी बायोलॉजी आती है ना, सब आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, और BSc भी पढ़ाती हूँ मैं। सो आप लोग बायोलॉजी के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, डेमो वगैरह भी आकर ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए भी जो बच्चे चाहे, तो वो भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।